अब राजा हरिश्चंद्र को 500 सोने की मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को चुकानी थी। इसी कारणवश वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक अमीर घर में बेच देते हैं और खुद एक चांडाल के हाथों बिक जाते हैं और इन सब से ऋषि विश्वामित्र का ऋण चुकाते हैं। समय बीतता गया और राजा ने कभी अपने कार्य में आनाकानी नहीं की। तभी एक दिन राजा के बेटे को एक सांप काट लेता है और उसकी वही भी मृत्यु हो जाती है। रानी को पता ही नहीं लगता कि वो क्या करे, और तो और उनके पास अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे, तो वह रोती रोती अपने बेटे की लाश लेके शमशान घाट तक पहुंचती है और वहां पे उन्हें अपने पति राजा हरिश्चंद्र मिलते हैं। अब जब राजा अपने बेटे की लाश देखते हैं तो वह बहुत रोते हैं, पर अपना कार्य पूरा करने के लिए रानी से अंतिम संस्कार का ऋण मांगते हैं, क्योंकि कर ना लेना उनके मालिक के साथ विश्वासघात होता। इतने में ही ऋषि विश्वामित्र वहां पहुंचते हैं और राजा के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये आपके सत्यनिष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा हो रही थी जिसमें आप सफल हुए हो, और उनके बेटे को जिंदा करके राजा को उनका राज्य वापस लौटा देते थे।